तो हमारी एक क्यारी धनी की भी भर गई है लगभग। तो इसी के साथ आज का मॉर्निंग सेशन वर्कआउट का फिनिश होता है। बहुत प्यारा रहा, बहुत आनंद आया, क्रिएटिविटी। सो गाइस, कल मैंने वीडियो डाला था खेत की खुदाई वाला, सफाई वाला, तो कल मैं बीज बो नहीं पाया। कारण उसका ये था कि यहाँ बहुत सा घास भी था इसमें। ये छोटे छोटे होते हैं, पानी लगते फिर से पनप जाते हैं, तो बढ़िया से इसकी सफाई करनी पड़ती है। ये है बीज, यहाँ पे बोऊंगा मैं मेथी। देखिए इसमें सिंचाई शुरू हो चुकी है। इसमें बहुत अच्छे से तैयार करके मैंने बोया है पालक। अब यहाँ पे एक फील्ड तैयार करके मेथी बोएंगे और इस कोने में बोएंगे धनिया। और देखिए इसमें ये पानी धीरे धीरे हो जाएगा। और करना है आपको कि थोड़ा इसको नीचे रखें लेवल, तो इसमें पानी कम लगेगा। सर्दी में वैसे पानी कम लगता है क्योंकि रात में ओस वगैरह गिरती है। लगभग 10 एक दिन में एक बार पानी देना पड़ता है। वो खोदने के बाद वो तो हो गया। अब ये मैंने तुरंत तैयार कर दिया, इसमें से घास फूस वगैरह जड़े वड़े सब निकाल के यहाँ बोया जा रहा है। अगले पलों में मेथी मेथी और थोड़ा धनिया भी डाल देंगे। लाल चींटियों ने हालत ख़राब कर दी, बहुत सारी है, पैरों में काट रही है। तो देखिए ये धनिया भी मैंने, धनिया नहीं सॉरी, मेथी भी बो दी है। जितने छोटे बीज होते हैं उनको ऐसे छिड़क के फिर मिट्टी फेर दो और फिर साफ मिट्टी थोड़ी थोड़ी डाल दो। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मिट्टी डालने से फिर वो बीज अंकुरित होकर बाहर निकल नहीं पाते। और ये छोटा सा धनिया का टुकड़ा भी तैयार हो गया। कम है अभी, भिंडियाँ विंडियाँ हैं इसकी। और अभी धनिया के बीज के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, 2 बार पहले बोए थे बरसात और उसमें गर्मी में तो बहुत कम उगे थे, तो देखते हैं। तो बो दिए मैंने, अच्छी खासी मेहनत की, क्यारियाँ बनाई, मिट्टी वो कंकड़ वगैरह थे उसमें, कंकड़ थे, पॉलीथीन के टुकड़े वगैरह सब कुछ छांटा। वो जो मैंने खोदा था तो घास की जड़ें थी, जड़ें पानी पी के फिर हरी हो जाती है, इसलिए उनको निकाला। बहुत प्यारा लगता है। और जो थकान आती है इसके बाद, शांत बैठ के सांसों पे ध्यान केंद्रित, मेडिटेशन एक ऑटोमेटिक हो जाता है इसमें। इतना प्यारा लगता है जब जो है बिल्कुल फ्रेश आपके गार्डन में धनिया हो, पालक हो, तुरंत तोड़िए, तुरंत धोइए, नो केमिकल। तो ये छोटी सी जगह में किया जा सकता, गमलों वगैरह में भी किया जा सकता, करना चाहिए। जगह तो चाहिए, उत्साह चाहिए। मेरी सिस्टर है रतलाम में रहती है, रतलाम मैरियल सिस्टर, वो छत पे उसने गमले लगा रखे हैं और व्यस्त रहती है, वो दुकान पे भी बैठती है, उसका जनरल स्टोर है, उसके बावजूद वहाँ पे वो करती है, टाइम निकल, रुचि और टाइम की बात है। और उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी जो इसमें पॉजिटिविटी रहती है, क्रिएटिविटी। तो जो क्रिएटिव इंसान है, जो नेचर के टच में है, वो जल्दी स्ट्रेस में नहीं जाएगा, जल्दी ज़िंदगी की परेशानियों से परेशान नहीं होगा। तो ये किया जा सकता है और करना चाहिए। उदयपुर मेरे एक मामा थे, अब वो गुजर गए हैं, बहुत प्यारे इंसान, प्रकाश चंद्र पानेरी, एडवोकेट प्रकाश चंद्र पानेरी। और मेरे एक बड़े मामा जो थे हेमेंद्र पानेरी, दोनों को मैं देखता था जब छुट्टी हो तो उस दिन पूरे छोटे से उनके गार्डन थे बगल में, कुछ भी करते रहते थे ये वो। और वो प्रोफेसर थे हेमेंद्र जी, और प्रकाश जी बहुत बड़े वकील थे, लेकिन फिर भी बिल्कुल एकदम किसान की तरह से एकदम उसमें लीन हो जाते थे। और मैं देखता था बचपन में, वो बहुत प्यारी चीज़ें लगती थी। तो मेरा जो इंस्पायरिंग पॉइंट है मूलतः वहीं से है। खेत वेत तो होते ही, बड़े खेती वगैरह तो वो तो एक किसान करता है, लेकिन छोटे गार्डन में कैसे वो। और प्रकाश चंद्र पानेरी जी को तो देखता था मैं कि बहुत ही उसमें वो खुदाई उदाई, और वो लगभग डेली थोड़ा समय उसमें व्यतीत करते थे। और शाम को आने के बाद छत पे तेज़ी से टहलना, बहुत ही मिलनसार हंसमुख इंसान, और भोजन प्रसाद के भी बहुत तल्लीन होके करते थे। और जब भूख लगेगी आदमी को, शरीर अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, तो भोजन का भी आनंद ले पाएगा आदमी। तो उनको देखता था मैं तो बहुत इंस्पायर होता था। प्रकाश चंद्र पानेरी गुजर गए, लेकिन बहुत प्यारे इंसान थे। जो भी इंसान यहाँ आता है उसको अपना अपना लाइफ जीनी है, लेकिन कोई कोई होते हैं जो बहुत बिंदास बैटिंग करके निकलते हैं और याद किए जाते हैं। छत तो होगी, एक छोटा गमला तो हो सकता है, उसमें कुछ बीज बोइए। पौधा जब बढ़ता है, फूल बनता है कुछ भी, तो उसको आप ग्रोथ देखते हैं।
उस फूल को खिला हुआ सवेरे सवेरे देखते तो बहुत पॉजिटिवनेस आती है। प्रकृति अद्भुत है, तो नेचर के साथ चलिए। आज की जितनी बीमारियां वगैरह जो हो रही है वो अप्राकृतिक जीवन की वजह से हो रही है। गमला लगाइए आज ही।